कल आप लोगों ने श्रवण किया भगवान शंकर की वाम भागा भगवती सती के द्वारा भगवान की परीक्षा ली गई। सती ने जानना चाहा कि ये भगवान हैं या नहीं है। भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती। मानस में तीन प्रसंग हैं, एक परीक्षा, एक समीक्षा और तीसरा है प्रतीक्षा। सती ने राम की परीक्षा ली, सूपनखा ने राम की समीक्षा की कि तुम सम पुरुष न मोशम, और शबरी ने जीवन भर राम की प्रतीक्षा की। तो परीक्षा लेने वाला मर गया, समीक्षा करने वाले के नाक कान काटे गए और प्रतीक्षा करने वाला राम के हृदय में बस गया। इसलिए जीवन में भगवान की ना परीक्षा लेना है ना समीक्षा करना है, मन लगे तो भगवान की प्रतीक्षा करना है। आज नहीं तो कल एक दिन वो तुम्हें मिलेंगे। मानस का यही मर्म है, मानस में भगवान की प्रतीक्षा का रस है। आए सती पिता के यज्ञ में, दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी। दक्ष के भय से जब सती को किसी ने सम्मान नहीं दिया, किसी ने नहीं पूछा, सती के मन में कोई अपमान का कष्ट नहीं, सम्मान की खुशी नहीं, उस समय मां आ गई। दुनिया में मां एक ऐसा रिश्ता है जहां स्वार्थ नहीं होता। सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। बोलो सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुरी मुस्काता, भगिनी मिले है बहुरी मुस्काता, भगिनी मिले बहुरी मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, सम्मान पूर्वक केवल माँ मिलने आई, और जैसे ही माँ मिलने आई बेटी से पूछा, साथ में चार बहनें आई, भगिनी मिली बहुरी मुस्काता, तो बहनें मुस्कराने लगी, हंसने लगी और कहने लगी, बहन तुम्हें तो बुलाया भी नहीं गया था, तुम कैसे आई और किसके साथ आई। सती जी ने कहा, बहन मैं अपने नंदी के साथ आई हूं, नंदीश्वर प्रमथ नाथ महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, नंदी में आई हूं। दूसरी बहन ने कहा, बहन ये तो बता दे, शादी के समय जैसे थे जीजाजी वैसे ही हैं कि कुछ बदले हैं। हंस करके सती ने कहा, दिगंबराए चमहेश्वराय नित्याय शुद्धाय
वो तो हमेशा दिगंबर रहते हैं, नग्न रहते हैं, अब तो कपड़े ही नहीं पहनते। तीसरी बहन ने कहा, बहन एक बात पूछूं, पहले तो ऐसे ही लगते थे, अब कुछ सुधरे हैं। तो हंस करके सती ने कहा, चिता भस्मम लेपो, चिता की भस्मी लगाते रहते। भुजग पतिहारी पशुपते, बड़े बड़े भुजंग काल व्याल कराल उनके बदन पर लिपटे रहते हैं। और बोले विराजे श्री गंगा, बस डर थोड़ा लगता है बहन, क्यों लगता है? नयन सुचि भंगा मधुभरे, वो जो तीसरा नेत्र है बस उसके खुलने का डर लगता रहता है, बाकी तो ठीक है। मरगट की राख लगाते हैं, गंगा बहती रहती है, बड़े बड़े काले व्याल कराल नाग लिपटे रहते, कोई दिक्कत नहीं है। बोले रहते कहाँ हैं? बोले शमशानम स्थितम यत शिवम, शमशान घाट में न लीपने की झंझट, न पोतने की झंझट, न पेंटिंग की झंझट, न कोई समस्या, न दीपावली की न होली की, शमशान स्थितम यत शिवम। कहाँ रहते हैं? बोले शमशान घाट में। बोले भीड़ भाड़ भी नहीं होती, ध्वनि प्रदूषण कोई आता ही आता नहीं है, वो तो विशेष ही काम से लोग आते हैं जब किसी को फूकना जलाना होता है। बहने हंसी उड़ा रही है और सती जी बड़ी श्रद्धा से सबकी बातें सुन रही है। सती ने कहा, मां मुझे तो ये बता दो, यज्ञ मंडप का मुझे परिक्रमा करना है, यज्ञ दर्शन करा दो। जो यज्ञ होता है इसका सबसे बड़ा महत्व है कि सुबह उठकर जिस गांव में यज्ञ हो तो उस गांव के हर व्यक्ति को उठ करके स्नान करके सबसे पहले परिक्रमा लगाना चाहिए, परिभ्रमंत यज्ञ भूमि। क्यों? यज्ञ में 33 करोड़ देवताओं को बिठाकर स्थापित कर पूजन होता है। जिस गांव में यज्ञ हो तो उस गांव के लोगों को सबसे बड़ा फल है कि सबसे पहले यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा लगाना चाहिए। कभी कभी कष्ट होता है ना, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या, तो यज्ञ में विधान है कि किस चीज की परिक्रमा लगाने से कौन सा कष्ट दूर होता है, किस चीज से परिक्रमा लगाने से कौन सा रोग मिटता है, किसकी परिक्रमा लगाने से कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है। ये सर्व कामना पूर्ण होता है उसका विधान बताया जाता है। कोई विशेष समस्या हो तो उस चीज से परिक्रमा लगा लो तो तुम्हारी वो समस्या मिट जाएगी। सती जी यज्ञ मंडप की ओर गईं, चारों तरफ यज्ञ मंडप को देखा, यज्ञ मंडप दिखा, बड़ा सुंदर दृश्य दिखा, पर सुंदर का स्थान नहीं था सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर का स्थान नहीं। कतहु न दीख शंभ कर भागा, शंकर जी का स्थान नहीं है, हिस्सा नहीं है, तो फिर वो यज्ञ कैसा है? बीच में यज्ञ कुंड बना था जैसे यहां बना है, यज्ञ कुंड के बीचों बीच अग्नि प्रज्वलित थी। सती जी हाथ जोड़कर खड़ी हुई यज्ञ मंडप में और श्री नारायण से कहने लगी, सती मरत हरि सन बर मांगा, 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 जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव
पद अनुरागा। मरते समय सती जी ने श्री हरि से ये वरदान मांगा। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद। बेटा उसको समझाओ, बच्चा पर्दा फाड़ रहा है। सती मरत और हरिसन वर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म अनुराग। भगवती कहती हैं मुझे शिव के चरणों से जन्म जन्मांतर तक अनुराग बढ़ता रहे, अनुराग जगता रहे। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अनुराग माने क्या होता है? नहीं, प्रेम होता है, आपके भाव सही है, पर अनुराग अर्थ प्रेम का नहीं होता। मानस में प्रेम भी लिखा है, प्रीति भी लिखी है और अनुराग भी लिखा है। संसार में तीन वस्तुएं हैं जिनका स्वाद मीठा होता है, शक्कर, गुड़ और शहद। तीनों मीठे होते हैं कि नहीं बताओ? तो शक्कर भी मीठी है, गुड़ भी मीठा है, शहद भी मीठा है। पर इसमें दो नकली हैं और एक असली है। शक्कर बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है, पर शहद नेचुरल होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? शहद बनाया नहीं जाता। प्रेम, प्रीति, अनुराग मानस में तीनों हैं। आप यहां से जगन्नाथपुरी जाएं, ट्रेन में बैठ गए आप दुर्ग से, जिस समय आपके सीट के सामने के यात्री दिखेगा, आप पूछेंगे कहां जा रहे भैया? उसने कहा जगन्नाथपुरी। उसने तुमसे कहा तुम कहां जा रहे हो? जगन्नाथपुरी। कहां से आए? बोले हम किर्गी से आए। तुम? हम नादगांव से आए, डोंगर गांव से आए। कुछ भी बोल दिया। अरे अपन तो एक ही जगह के हैं। ठीक है, एक काम करो, ये सामान देखना हमारे, पानी पी ले, नीचे पहुंच गए। वो ऊपर आया थोड़ी देर। तुमने कहा भैया तुम देखना, हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। गए, प्रेम हो गया। बोलो हो जाता है कि नहीं? एक दूसरे के साथ खाना, एक दूसरे के पास सोना, एक दूसरे का सामान देखना, बीच में दिक्कत आवे तो एक दूसरे की मदद करना, होता है कि नहीं? ये प्रेम है। आप जगन्नाथपुरी से लौटे, दुर्ग के स्टेशन में उतरे, आप अपने घर आए और वो अपने घर चले गए। ट्रेन का प्रेम और ट्रेन में पूरा हो गया। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता कि एक दूसरे घर में रहने लगते हो? क्या हो गया पूरा प्रेम? जो कहीं हो जाए, कहीं मिट जाए, इसे प्रेम कहते हैं। जो एक जन्म तक रिश्ता निभाया जाए, पिता पुत्र, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, ये क्या है? प्रीति। रामायण में लिखा है कि नहीं कि नाथ बालियरु मैं दो भाई, अप्रीति रही जस बरनी न जाई। प्रीति परस्पर, प्रीत माने एक जन्म का रिश्ता। सीता जी ने कहा जो कहीं हो जाए, कहीं मिट जाए, वो प्रेम है। जो एक जन्म तक चले वो प्रीति है, और जो जन्म जन्मांतर तक, लाखों नहीं करोड़ों जन्म तक, जन्म कोटि लग रगर हमारी और बरहु शंभु न तलहाओ कुमारी। जो करोड़ों जन्मों तक चले रिश्ता, उसे अनुराग कहते हैं। इसलिए आज भगवती कहती हैं सती मरत हरी सन बर मांगा,
सती मरत हरि शनु बरे मांगा, सती मरत हरि शनु बर मांगा, सती मरत हरि शनु बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शती मरत हरि 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 से क्यों मांगा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर। अब किराने की दुकान में कोई मोटरसाइकिल मांगे तो कैसे मिलेगी, पेट्रोल पंप में जाके तो मिर्ची मांगो कि मिर्ची तौल दो एक किलो, कहां से देगा। यहां मांगने वाला कह रहा है जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, पर किससे मांग रहा है, सती मरत हरि हरि सन बर मांगा, हरि से हर को मांग रहे हैं। सती जी हरि से हर को मांग रही हैं, कह रहे हे हरि हमको हर चाहिए, हर माने शंकर और हरि माने विष्णु, इसलिए मांग रही हैं क्योंकि सती जी ने हर का अपमान नहीं किया, उन्होंने अपमान तो हरि का किया था, क्योंकि हरि रघुवंश लीने अवतारा, आयो हरण महामहि भारा। भगवान राम हरि हैं और हरि की परीक्षा हर की पत्नी ने लिया था, तो हर ने हरि के अपमान के कारण श्राप दे दिया था। तो सती जी कहते हैं डायरेक्ट हर से कहेंगे तो वो कहेंगे हम क्या करें, तुमने जिनका अपमान किया उनसे मिलो। इसलिए सती जी पहली क्लास में एडमिशन करा रही हैं कि वहां से तो प्रमाण पत्र बन ही जाएगा, पहले इधर से तो पास हो जाए। इसलिए कहती हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, के जन्म जन्म अशिव पद अनुरागा, शिव पद जन्म जन्म शिव पद। भगवान विचार करने लगे, इतने में सती जी यज्ञ कुंड में कूद गई, दो दो करके जलने लगी। रुद्र गणों ने यज्ञ के आचार्यों को यजमानों को रुताओं को उठा उठाकर कुंड में डालना शुरू कर दिया। देव गुरु बृहस्पति ने सब देवताओं को बचाने का प्रयास किया, पर रुद्र गणों के सामने कौन बोले। यहां तक कि भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने दक्ष का सर काट करके यज्ञ के कुंड में डाल दिया। दक्ष जी बिना सर के हो गए। ब्रह्मा देव गुरु बृहस्पति हाथ जोड़ के खड़े, बोले प्रभु दुनिया में कोई यज्ञ नहीं कराएगा अब। बोले यज्ञ बंद ही हो जाएंगे आज से। बोले क्यों। बोले जब यज्ञ कराने वाले का सर कट जाएगा तो काय को कोई यज्ञ कराएगा। तो शंकर जी ने कहा दक्ष मैं कर रहा था, मैं माने अहंकार कि मैं ऐसा इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो एक बकरे का सर काट कर दक्ष के धड़ पर लगाया गया और शंकर ने कहा जाओ जिंदगी भर म्या 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 करते रहना। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती का ये शरीर छूट गया, सती पुनर्जन्म में महाराज हिमांचल के घर पैदा हुई। हिमांचल के घर पैदा हुई कन्या के रूप में पूरी दुनिया में समाचार फैल गया, हिमांचल के घर बेटी हुई। खुशियां मनाई जा रही थी। उसी समय देवलोक में आवाज पहुंची, देवर्षि नारद ने सुना समाचार। नारद सब पाए समाचार, नारद सब पाए समाचार, नारद सब पाए समाचार, नारद सब पाए। कौतुक ही गिरि गे है सिधाए, कौतुक ही गिरि गे है
सिधाई कौतुक ही गिर गे है सिधाई कौतुक ही गिर गे है सिधाई समाचार सब नारद पाए तो कौतुक ही गिर गे है समाचार सब नारद पाए कौतुक ही गिरी गेह सिधाए नारद समा चार सब पाए। जैसे ही नारद जी को पता चला कौतुक ही गिरी गेह सिधाए नारद समा चार सब पाए। जैसे नारद जी को पता चला कि हिमांचल के घर में कन्या हुई है, आश्चर्यचकित भाव से नारद जी हिमांचल जी के यहां पहुंच गए। शैलराज बड़े आदर कीन्हा, धन्य है राजा हिमांचल, जिस समय संत का आगमन हुआ तो महाराज हिमांचल ने बड़ी सम्मान पूर्वक पत्नी मैना के साथ देवर्षि नारद के सम्मान में स्वर्ण पात्रों में जल लिया कि शैलराज बड़े आदर कीन्हा। फिर पद पखारी चरणों को धुला, पद पखारी बर आसन दीन्हा। सुंदर चरणों को पखारने के बाद अपने बराबर से सिंहासन में बिठाया। हिमांचल जी ने अपना सिंहासन संत के चरणों में अर्पित कर दिया। नारद जी बैठ गए बड़ी श्रद्धा से। हिमांचल जी ने बेटी को बुलाया, सुता बोली मेली मुनि चरणा, चरणों में बेटी को डाल दिया। और जैसे ही बेटी को चरणों में डाला तो नारद जी ने बड़ी श्रद्धा से बेटी की ओर देखा, उमा जी पर दृष्टि पड़ी। नारद जी कहते महाराज की जय हो। बोले क्या हुआ? बोले सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, और बोले नाम उमायंबिका भवानी। नारद जी ने उस कन्या का नामकरण कर दिया। नारद जी के द्वारा सीता का नाम रखा गया था, नारद जी के द्वारा पार्वती का नाम रखा गया, क्योंकि नाम रखने का अधिकार गुरु को होता है। आजकल तो टीवी से नाम रख जाते हैं, टीवी महारानी की कृपा से जो नाम अच्छा लगा वही रख लिया, न उसका कोई अर्थ है न कोई भाव है। पहले नाम कैसे रखे जाते थे? रखे हो नाम गुरु हृदय बिचारी, रखे हो नाम गुरु हृदय बिचारी। पहले नाम गुरु रखते थे विचार करके, पंचांग को देखकर। अब आप टिंकू पिंकू रिंकी पिंकी कोई अर्थ ही नहीं है नाम, रिया प्रिया श्रिया कोई नाम ही नहीं रहा, वो तो रख दिया। नाम उमायंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमायंबिका भवानी, नाम उमायंबिका भवानी। सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुता
तुम्हार सकल गुण खानी, नाम उमा अंबिका भवानी। जिस समय नारद जी ने ये शब्द कहा तो माता पिता दोनों खड़े हो गए, बोले महाराज की जय हो। बोले तुम कह रहे हो सब गुण की खान है। बोले हाँ महाराज, कोई अलग से कुछ हो तो जरा देख लो। तो नारद जी ने हाथ देखा, ये जो हाथ है ना, इनमें जो रेखाएं हैं, इसमें जन्म से मरने तक की तारीख लिखी होती है, केवल आदमी पढ़ के जानता हो। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। रात भर में भूल गए, हमने कल जय बोलने एक ही चीज सिखाई थी, केवल जय बोलना। अच्छा भोजन भूल जाते हो क्या? सोना, नहाना, कपड़ा पहनना, तो जय काय को भूल जाते हो। बोलो राघविंद सरकार की। अब लग रहा है कि सबकी याददाश्त तो मजबूत है। नाम उमा, नाम बता दिया। जैसे हाथ देखा, बोले महाराज इसके हाथ में एक रेखा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। बोले कौन सी रेखा टेढ़ी है? बोले इसके जो विवाह की रेखा है वो थोड़ी सी टेढ़ी है। बोले कैसी टेढ़ी है? बोले इसका जो पति होगा, अगुन यमान मातो पितो हीना, 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 उदासीन सब संशय खीना, उदासीन सब संशय खीना, उदासीन सब संशय खीना, अगुन अमान अम्मा तो पितु हीना। दुनिया में कोई पिता नहीं है जो अपनी बेटी का विवाह कर दे ऐसे पति के साथ। अगुण अवगुणों से पूर्ण, गुणों से रहित, अगुण अमान, दुनिया में कहीं मान सम्मान न हो। माँ तो पितु हीना, मैया बाप न हो। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन हमेशा उदासीन अवस्था में रहता हो, अर्थात निर्वस्त्र रहता हो, समाज से बाहर रहता हो, किसी सुनसान जगह में रहता हो। कोई बेटी की शादी करेगा क्या? नारद जी बता रहे हैं अगुन अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। बोले महाराज ये सब सही है, पर वो देखने सुनने में कैसा लड़का है? तो नारद जी ने कहा फोटो तो नहीं लिए पर देखा है, तो बताओ तो बता दे तुम्हें अंदाज से कैसा है। बोले कैसा है? बोले जोगी, पहले तो सन्यासी है, पर सन्यासी भी कैसा है? बोले बड़ी बड़ी जटाएं हैं, जोगी जटिल अकाम मन, काम वासनाओं से मुक्त है। कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन मंगल वेश, दिगंबर रहता है, कोई वस्त्र नहीं स्पर्श करता, नगन अमंगल वेश, और वश स्वामी यही को मिले, अपड़ी हस्त यस रेख। हाथ की रेखा बता रही है किसका जो पति होगा, दिगंबर होगा, सन्यासी होगा, बड़े बड़ी जटाएं होंगी, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अवश्य स्वामी यही को मिले, और पड़ी हस्त अस रेख। हिमांचल ने, मैना ने, दोनों ने कहा गुरु जी एक बात बताओ हमें, हम कैसे शादी कर देंगे? बोले ना करोगे तो होगी और करोगे तो भी होगी। बोले क्यों? बोले होनहार भवतव्यता, वैसे ही होना ही है वो तो। तो बोले महाराज कोई गुंजाइश है सुधार की?
नारद जी ने कहा सुधार की तो गुंजाइश है, दुनिया में हर मर्ज की दवा है, केवल एक ही बीमारी है उसका इलाज नहीं होता, उसका केवल इलाज है मौत, वो है शक। शक की बीमारी समझते हो, संदेह की बीमारी जो होती है उसका इलाज दुनिया में नहीं है, केवल मौत ही है उसका इलाज, चाहे जिसको जिस पे शक हो जाए, शक है तो मौत ही है उसका, कोई हल नहीं होता। सती को राम पर संदेह हो गया था, नारद जी ने कहा इसका तो इलाज हमारे पास है। बोले क्या? बोले रेखा बदल नहीं सकती पर सुधर सकती है, रेखा बदल नहीं सकती पर सुधर सकती है। बोले कैसे सुधर जाएगी? बोले तुम्हारी बच्ची चाहे कुछ वो मेहनत करे कुछ हम करें, कुछ मेहनत वो करे कुछ हम करें और कुछ तुम करो तो रेखा सुधर जाएगी। बोले कैसे सुधरेगी? बोले जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे ही कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे ही कुमारी तुम्हारी, बाबी मेटी सके त्रिपुरारी, भाभी मेटी सके त्रिपुरारी, भाभी मेटी सके त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। नारद जी कहते हैं तुम्हारी बेटी यदि तपस्या करे, बेटी तपस्या करे तो भाभी मिट सकती है, क्योंकि भाभी मिट सके त्रिपुरारी, अमरहु मार सके त्रिपुरारी। ये हिमांचल की कन्या है, देवलोक से नारद जी आए थे देखने। नारद जी ने उस बेटी का भाग्य पढ़ा प्यारे, जिस समय नारद जी ने कहा तुम्हारी बेटी चाहे तो भाग्य में परिवर्तन हो सकता है, उसके लिए करना क्या पड़ेगा? बोले तपस्या। बोले तपस्या कैसे की जाती है? नारद जी ने कहा व्रत से शुरू होती है और समाधि से समाप्त होती है तपस्या। तपस्या की शुरुआत व्रत से होती है। व्रत जानते हो ना तुम लोग, रहते हो कि नहीं? अच्छा, सुबह से शाम तक कई बार फलाहार होता है। जिस दिन तुम्हारे घर में दो लोग व्रत हो तो 200 को फलाहार, और व्रत ना हो तो 50 रुपया के दार भात में काम चल जाए। बोलो सही है कि नहीं? बोलो तो खाने के लिए रहते हैं कि व्रत रहते हैं? व्रत कैसे रहा जाता है? मानस में लिखा है, तब शंकर मिले थे, पार्वती ने व्रत किया। कैसा व्रत? पार्वती तब कीन अपारा, ताई करो प्रभु अंगीकारा। कौन सा व्रत था? कछ दिन भोजन वारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बताशा, कछु दिन भोजन वारी बताशा, कछु दिन भोजन बारी बताशा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, कछु दिन भोजन वारी बतासा। पार्वती का जो व्रत है वो है वारी बतासा। वारी माने पानी, वारी बतासा माने पानी का बुलबुला। पानी जब बरसात में बरसता है तो पानी में बुलबुले उठते हैं,
उस बुलबुले को पार्वती जी जीभ से स्पर्श करती हैं, बुलबुला टूट जाता है। बरसात के बाद 8 महीने तक पानी में बुलबुले नहीं होते, तो किए कठिन कछु दिन उपवासा। तो 8 महीने तक केवल सांस लेती थी, 4 महीने पानी के बुलबुले को जिभ्या से स्पर्श कर लेती थी, इसके सिवा कुछ भी नहीं खाती थी। और ये व्रत कितने दिन चला? 1000 वर्ष तक। जब 1000 वर्ष तक ये व्रत चला तो शंकर का कैलाश हिलने लगा। देवता पितर गंधर्व यक्ष सब गए। शंकर जी से कहा, प्रभु पार्वती तपकीन अपारा, ताहि करो तुम अंगी कारा। शंकर जी ने कहा, तपस्या मेरे लिए कर रही, मुझे पता होगा, तुम्हें क्या पता। सबने कहा, महाराज तो आप ही ध्यान से देख लो। शंकर जी ने कहा, जाओ उस पार्वती से कह देना, यदि मुझे पति के रूप में माना हो तो ये आज्ञा है कि कल सुबह पूनम प्रभात में प्राची दिश से भू भास्कर भगवान सूर्य उदय हो और आंख खोलें और सामने जो दिखाई पड़ जाए उसको खा ले। देवताओं ने जाके संदेशा दे दिया। पार्वती ने जैसे ही नेत्र खोला, सुबह रक्त रंजित रश्मियां सूर्य की किरणें निकल रही थी। पार्वती ने नेत्र खोला तो सामने सूखी सी एक बेल पत्र पड़ी थी, इसलिए बेल पत्र भगवान को प्रिय है और चढ़ाई जाती है रोज अभिषेक में। बेल पत्र सामने पड़ी थी, पति आज्ञा के कारण पार्वती ने उठाया और सूखी हुई बेल पत्र को खा लिया। शंकर जी से देवताओं ने कहा, प्रभु उन्होंने तो एक पत्ती उठा के खाया, उसका नाम है बेल पत्र। शंकर जी ने कहा, उनसे के तो खाते रहें जब तक हम न कहें। 3000 साल तक पार्वती जी ने बेल पत्र खाया। बेल पात जिमी परिय सुखाही, बेल पाती जिमी परिय सुखाही, बेल पात जिमी परिय सुखाही, बेल पाती जिमी परिय सुखाही, 3000 संबत सुखाही, 3000 संबत सुखाही, 3000 संबत सुखाही, बेल पत्र जिमि परिय सुखाही, 3000 संबत सुखाही। 3000 साल तक बेलपत्र खा करके पार्वती जी रही, 1000 वर्ष तक निराहार रही, 4000 वर्ष बीत गए, पूरे देवता गए, बोले प्रभु अब कृपा करो। शंकर जी बोले, काय की? बोले शादी कर लो। शंकर जी बोले, शादी के झंझट से मुक्त। बोले क्यों? बोले हम करते हैं वो मर जाती है, हम करते हैं मर जाती है, तो इस प्रपंच से नहीं रहना, दूरे रहना है। अब देवताओं को समस्या थी, क्योंकि तारकासुर नाम के राक्षस को ब्रह्मा का वरदान है कि शिव के पुत्र से तुम्हारी मृत्यु होगी और शिव का पुत्र जब होगा, जब शादी होगी, तो देवता परेशान। और शंकर जी का आसन शमशान में लगा है। देवताओं ने कहा, प्रभु कर लो। बोले झंझट से दूर रहना है, नहीं करना, हम करते हैं वो मर जाती है बार बार। सुशोभितम मुंडमालम 8 मुणों की माला शंकर जी के गले में पड़ी है। अष्ट योगिनियां खत्म हो चुकी थी, इस समय 9वीं योगिनी उनके साथ है। जिस समय हाथ जोड़ा सब देवताओं ने, बोले नहीं करना, तो सबने कहा, कामदेव तुम कुछ प्रभाव दिखाओ। तो कामदेव जी ने कहा, ठीक है। शंकर जी की समाधि लगी और सुर सुंदरी करें सब गान, सुर सुंदरी करें सब गान, सुन श्रवण छूटे मुनि ध्याना, देवलोक की अप्सराएं नृत्य करने लगी। अब कामदेव जी अपना प्रभाव दिखा रहे थे। शंकर जी ने धीरे से आंख खोला, जब शिव तीसर नयन उघारा, तो चितवत काम भय जली छारा।
कामदेव जल करके राख हो गए। अब साफ दौड़े महाराज, ये क्या हुआ? ये शंकर जी बोले कुछ नहीं, वो दुर्घटना हो गई। दुर्घटना है, आंख खुली सो चला गया। सब लोग बोले भैया कोई सामने मत जाओ, नहीं पता नहीं किसके साथ दुर्घटना हो जाए। देवताओं ने कहा आप क्या करें? नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा एक उपाय है। बोले क्या? बोले ये राम जी की बात मानते हैं, ये राम की बात तो मानते हैं। पूरे देवता सप्तऋषि शनकादि आदि पहुंच गए अयोध्या जी, और जाकर के राम जी से कहा प्रभु कृपा करो। राम जी ने कहा क्या चाहिए बताओ? बोले महाराज शंकर जी से कह दो विवाह कर ले। राम जी ने कहा चलो। भगवान राम सबके साथ आए, और जैसे ही कैलाश पर्वत में राम जी पहुंचे, शंकर जी ने साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु, राम जी ने कहा तुम्हारा हमारा रिश्ता है, अगर मुझे छोटा मानते हो तो विनती करता हूं, बड़ा मानते हो तो आदेश देने आया हूं, अब बराबर का मानते हो तो फिर सलाह देने आया हूं कि अब विनती मम सुनहु शिव। शंकर जी के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। प्रभु क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें ब्रह्म माना है। तो राम ने कहा तो स्वीकार करो कि अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेह तो जाय विवाह शैल जही, यह मुहि मांगे देह। अगर मुझसे प्रेम है तो सुझाव है, अगर मैं छोटा हूं तो प्रार्थना है, अब अगर बड़ा हूं तो आदेश है कि शैलजा से विवाह कर लो, हिमांचल की बेटी से विवाह करो। राम जी की बात शंकर जी ने सुना, हाथ जोड़ा और कहा प्यारे यही जीवन का सत्य है। माता पिता गुरु के बाणी, माता पिता गुरु के बाणी, सभी बोलो माता पिता गुरु के बाणी, माता पिता गुरु के बाणी, विनहि विचारि करहो शुभ जानी, विनहि विचारि करहो शुभ जानी, विनहि विचार करहु शुभ जानी, माता पिता गुरु की बाणी, बिनहि विचार करहु शुभ जानी। माता पिता और गुरु की वाणी पर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, स्वीकार कर लेना चाहिए। माता पिता गुरु की वाणी, बिनहि विचार करहु शुभ जानी। शंकर जी ने कहा राम हम तुम्हें आराध्य मानते हैं, माता पिता गुरु की तरह मानते हैं, स्वीकार किया हमने तुम्हारा आदेश। और शंकर जी ने अपने गणों से कहा चलो हम विवाह करने को तैयार हैं। और जैसे शंकर जी तैयार हुए विवाह करने को, तो शिव ही संभोगन करत सिंगारा, शिव ही संभोगन करही सिंगारा। तालियां, माता जी सो रही है जगा दो। शिव ही संभोगन करही सिंगारा, बोलो शिव ही संभोगन करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शिव ही संभोगन करें सिंगारा, सिंगार तो सुना ही होगा, सिंगार तो सभी करते हैं,
क्रीम पाउडर ओरोलिन बोरोलिन थर्मोलिन चर्मोलिन फर्मोलिन कौन कौन लीन। ये श्रृंगार है जो शाम को करो सुबह नष्ट हो जाता है, सुबह करो तो शाम तक धुल जाता है। ये श्रृंगार है, नकली चीजों से जो तैयार हो वो श्रृंगार है और जो असली चीजों को संभाल ले वो श्रृंगारा है। शंकर जी ने कहा मुझे नकली से नफरत है। शंकर जी ने कहा श्रृंगारा करना है श्रृंगारा। तो जटा मुकुट, जटाएं असली हैं। शंकर जी ने जटाओं का बनाया मुकुट और जो बड़े बड़े सांप थे काले काले, काल ब्याल कराल सर्प शंभु देह सुशोभितम, उन सबको इकट्ठा करके मोर बना दिया। जटा मुकुट अहि मोर समारा। अब ये कहीं बीच में निकल आवे कहीं तो भगदड़ मच जाएगी, हे भगवान अब क्या करें। जरा सोचो उस बराता का क्या हाल हुआ होगा जहां शंकर जी के मोड़ पे हजारों सांपों का मोर रखा था। बड़े बड़े नाग लिपटे थे, यज्ञोपवीत सर्पों का जनेऊ। भगवान तैयार हो गए। जटा मुकुट अहि मोर समारा। समारा जिस समय भगवान सिंगारा करके खड़े हुए, जटा मुकुट अहि मोर समारा, शिव ही शंभुगन करें सिंगारा। सबने कहा बाबा ऐसे ही चलना है। बोले नकली से नफरत है, असली में रहना है। ठीक है महाराज। बोले कुछ गाड़ी वाड़ी करें? बोले नहीं, अपना वही डूड़ा बैल अच्छा है। सबने कहा तो चलें? बोले ऐसे कैसे चलें? बोले तुम तो सब आ गए, हमारे मित्र तो एक ही नहीं आए। हमारे दोस्त नहीं आए, बरात बरात नहीं जाएंगे, शादी नहीं करेंगे जब तक दोस्त नहीं आएंगे। शंकर जी के दोस्त पूरी दुनिया में रहते हैं, हर गांव के मरघटा में। अच्छा मरघटा कौन कौन जानता है? हाथ ऊपर करो, जान लो, आखिरी में सभी को जाने। दादा तुमको पता है? हाथ ऊपर करो जिसको पता हो। दादा तुम्हें नहीं पता? मरघटा पता है तो काहे नहीं ऊपर कर रहे? दादाजी तुम नहीं देखा? जल्दी हाथ ऊपर करो जिनको पता हो मरघटा। अच्छा कहाँ है? बना है। कितने मूर्ख हो, वो मरघटा नहीं है। अच्छा वहां आज तक कोई मरा है? जल्दी बताओ। अरे वो है जरघटा, जहां जलाया जाता है वो जरघटा, और मरता है आदमी घर में तो मरघटा। बोलो कहां मरते हैं लोग? अब तुम ही कह रहे हो मरघटा, अब वहां कहां मरघटा? वहां तो जरघटा बरघटा। भाई मरता तो व्यक्ति घर पर है। बोलो मरता है कि नहीं? तुम में से किसी से कह दे कि आज वहां जरघटा में सो जाओ। अरे महाराज वो मरघटा में कौन सो रहा? और जहां तुम्हारे बाप मरे, बाबा मरे, परबाबा मरे, पूरे खानदान मर रहो, वहां कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं लगता वहां। और जहां आज तक एक ही नहीं मरा वहां डर लग रहा है। बताओ वहां मरा कोई आज तक? और मरा हो तो बताओ। आज तक वहां कोई मरा हो तो हमें बताओ। वहां आज तक एक ही नहीं मरा, पर नाम वही को मरघटा। ऐसा ही बदनाम हो गया बेचारा। आज तक कोई मरा नहीं पर मरघटा हो गया। अब घर घर में मर रहे लोग, तो वो सदन है, घर है, भवन है, बंगला है, कोठी है। जो मरघटा है वो कोठी बंगला है, और जो जरघटा है वो मरघटा बना बैठा है। क्या संसार है प्यारे। शंकर जी ने कहा मेरे मित्र मेरे सखा हर गांव में रहते हैं। अब उठाया डमरू और डिम 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 बजाया। जटाट भी गलत जुलम प्रवाहि पातस्त गले अलम्बलम्बितम भुजंग तुंग मालिकम।
दिमन 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 निना चकार चंद तांडवम नौचते गौते भूत प्रेत लाखों इकट्ठा हो गए। बोले हमें चलना है, हमें चलना है। शंकर जी ने कहा सांप को ले चलेंगे, चिंता नहीं करना। 20 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई, पूरे देवता खड़े हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले ब्रह्मा विष्णु और नारद सारद सब खड़े, देवता इंद्र खड़े। बोले महाराज ये भी जाएंगे? शंकर जी ने कहा काहे, अपने अपने दोस्तों को दुनिया ले जाती है, हम कैसे छोड़ देंगे? अब शादी को मामला, हमारे तो दोस्त तो जाएंगे। सबने कहा महाराज तो एक काम करो, इन्हीं को ले जाओ, हम लोग नहीं जाएंगे। शंकर जी ने कहा एक काम करो, अपन अलग अलग चले। ब्रह्मा जी ने कहा तो तुम सबसे पीछे आना, हम लोग पहले जा रहे हिमांचल के यहाँ। और राजा हिमांचल के महल में भगवती अम्बा उमा अपने गुरुदेव नारद जी के साथ खड़ी है। उसको देख के मैना कहती है महाराज ये यही तो नहीं है? नारद बोले ये तो सब उनके ऐसे व्यवहारी है। जब विष्णु जी पहुंचे, मैना ने कहा नारद ये नहीं है दामाद? बोले नहीं ये तो दामाद का मित्र है। और विष्णु के रथ के बाद 100 योजन का मैदान पड़ा था प्यारे। अब उस 100 योजन मैदान के पीछे कोई नहीं था, लाखों लाखों की संख्या में वहां भूत प्रेत पिशाच थे, बड़े बड़े भूत प्रेत पिशाच। राजा हिमांचल की नगरी में जैसे ही बरात प्रवेश किया तो जो वहां के बेटा बेटी थे दौड़ लगा दिया, अपने अपने घरों में गए। मैया बाप से कहा जल्दी गेट बंद करो। घरवालों ने पूछा बेटा बरात आ गई, दूल्हा कैसे? अरे बोले गेट तो बंद करो, अगर एक ही बराती अंदर आ गया तो पूरे मर जाएंगे। क्यों? मम्मी पापा ने पूछा बेटा बारात को दूल्हा? अरे मम्मी दूल्हा तो छोड़ो, पहले बाराती ऐसे। और दहशत में गया तो बेहोश ही हो गया। मैया बाप करे कैसी बारात है, पूरा गांव बेहोश हो गया। राजा हिमांचल ने कहा जाओ बारात आई है सेवा में लग जाओ। अपने यहां भी बारातें आती ना तो पूरा गांव सेवा में लग जाता है, क्योंकि बेटी का विवाह बेटी का विवाह होता है। प्यारे सब बेटी के पिता हो गए इस दुनिया में, जिन्होंने बेटी को जन्म दिया है उनसे भाग्यवान कोई नहीं है। और जिसके घर में बेटी ना हो उसका ना कुल पवित्र होता है ना कोख पवित्र होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कन्या सुकन्या धन्य राजा हिमांचल, तुम्हारा भाग्य कि तुमने संसार की स्वामिनी का पालन किया। कि कन्या सुकन्या जो दो कुल उबारे। प्यारे ध्यान से सुनना, ये बेटियां समाज का दर्शन है। अगर आज बेटियां ना होती तो ये तुलसी की मानस न होती, इस पृथ्वी पर भगवान का कोई अवतार ना हुआ होता। कि कन्या सुकन्या जो दोई कुल उबारे, अतारे पिता को अपति को समारे। ये बेटी न होती न संसार होता, धरा पर हरि का अवतार होता। ये कन्या न होती न कल्याण होता। इसलिए प्यारे बेटी जिसके घर में होती है वो घर ही स्वर्ग होता है। जिस माँ के गर्भ से बेटी न हुई हो उस माँ को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। जब तक गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होता तब तक उस माँ का मोक्ष नहीं होता। इसलिए प्यारे मैं कहा करता हूं बेटियों के विषय में शास्त्र कहता है समाज में बेटी किसी घर पैदा हो बेटा पैदा हो बेटा हो तो घर में उत्सव होना चाहिए।
पर जब बेटी पैदा हो तो उत्सव नहीं, उस घर में महामहोत्सव होना चाहिए, महामहोत्सव होना चाहिए प्यारे, क्योंकि ये बेटियां समाज का दर्शन होती हैं कि बेटियां, बेटा तुम्हें अच्छा लगता है, ये आपकी मूर्खता है कि बेटियां भाग्यवान होती हैं, बेटियां भाग्यवान होती, बेटियां भाग्यवान होती हैं, बेटियां भाग्यवान होती हैं। ओ मम्मी किसान पापा की जान, मम्मी की जान पापा की शान, दुर्गा समान होती हैं, बेटियां भाग्यवान होती हैं, बेटियां भाग्यवान होती हैं, बेटियां भाग्यवान होती हैं। जय हो। तालियां। घर में नहीं है बेटियां जिसके, बेटियां जिनके बदकिस्मती है दुनिया में उसके, बदकिस्मती है जीवन में उसके, घर में नहीं है बेटियां जिसके बदकिस्मती है जीवन में उसे, ये तान की पहचान होती है, ये तान की पहचान होती है, बेटियां भाग्यवान होती हैं, बेटियां भाग्यवान होती हैं, बेटियां भाग्यवान होती हैं। जय हो। जय हो। बेटा है सबको जान से प्यारा, चाहे न राखे ध्यान हमारा, चाहे न राखे ध्यान हमारा, बेटा है सबको जान से प्यारा, चाहे न राखे वो ध्यान हमारा, ये बेटियां दयावान होती हैं, बेटियां दयावान होती हैं, बेटियां भाग्यवान होती हैं, बेटियां भाग्यवान होती हैं, पापा की शान मम्मी की जान, पापा की शान मम्मी की जान, दुर्गा समान होती हैं, बेटियां भाग्यवान 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 होती हैं, बेटियां
भाग्यवान होती है। बोल जगदम्बे माई की जय।